Lazar! भाईसाहब, भाईसाहब, आंखें खोलिए भाईसाहब, भाईसाहब। पिताजी, क्या? रुद्र भाईसाहब, क्या हुआ इन्हें? विष्णु, डॉक्टर, कॉल द एम्बुलेंस। बेटा, ठीक तो हो ना? हमारे परिवार को न जाने किसकी नजर लग गई है। भाई साहब, हेलो हेलो अर्जुन, पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। तो क्या हो गया आपको? आप जल्दी आ जाइए। क्या हो गया हमारे बच्चे को? विष्णु बेटा, ठाकुर साहब आप घबराइए मत, मैं इमीडिएटली आपके पास आ रहा हूं। रुद्रा, रुद्रा आप ये क्या कर रहे हैं? हमें विष्णु को फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। हम विष्णु भाईसाहब को कहीं नहीं लेके जा रहे। क्यों? क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा है, वो नागिन किसी भी रूप में वहां आ सकती है, इसलिए हमने डॉक्टर को यहीं बुला लिया है। हम विष्णु भाईसाहब को यहीं रखेंगे। भाभी साहब, हिम्मत रखिए, भाई साहब को कुछ नहीं होगा। पता नहीं हमारे विष्णु को कोई कुछ कर रहा है, वरना हमेशा इन्हें ही तकलीफ क्यों होती है? मां साहब, डैड को कुछ नहीं होगा। पिताजी, कागज साहब, पिताजी को क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो हमारी उनसे बात हुई थी। डॉक्टर साहब, डैड को क्या हुआ? शायद इनको कोई ऐसी बात पता चली है या कुछ ऐसी खबर मिली है जिससे इनको गहरा सदमा पहुंचा। बस मास्टर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमसे इनकी हालत नहीं देखी जाती। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आप वक्त पे दवाइयां देते रहिएगा। हम जानते हैं ये सदमा देव की मौत का है, और उससे भी ज्यादा इस बात का है कि आपकी मौत निश्चित है। विश्वास नहीं होता कि वो नागिन इतनी शक्तिशाली है। दिन ब दिन उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही है। हमें कुछ करना होगा, हमें भाई साहब को बचाना होगा। आप काशी बाहर आओ। अब हम तेरे बचने सारे रास्ते बंद कर देंगे। नागे अर्जुन,
सकते, हम पिताजी को अदालत में नहीं देख सकते, वो तो हमारी शक्ति है, उनके बिना तो हम बिखर ही जाएंगे जिंदगी भर। जिंदगी भर छायादार पेड़ की तरह उन्होंने हमें छाया दी। उस पेड़ को टूटकर जमीन पर रहते हुए हम नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते। अर्जुन, अर्जुन पिताजी को कुछ नहीं होगा, उन्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए। हमें उनकी, उनके प्यार, उनके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है सालों तक। आप अपने आप को संभालिए अर्जुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि वो कौन सी बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है, किस बात का सदमा पहुंचा उन्हें। बस वो जल्दी से ठीक हो जाए, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। जिनकी मौत हमारी जिंदगी का मकसद है, उन्हीं की जिंदगी आपके जीने का सहारा है अर्जुन। ये किस भवन में फंस गए हैं? अगर हमने पिताजी को मार दिया तो हेलो अर्जुन साहब, ठाकुर साहब का फोन नहीं लग रहा है। आप उन्हें बता दीजिएगा कि होटल की डील के लिए अभी उनका पार्टी से मिलना जरूरी है। अभी शाम की फ्लाइट से वो लोग वापस जा रहे हैं। शाम की फ्लाइट से? जी हाँ। सारी मुसीबतें एक साथ ही आती हैं। भाई साहब, फिक्र मत कीजिए भाई साहब, हम आपको इस लाचारी की हालत में नहीं रहने देंगे। नाकाशी, हमारे भाई साहब के सारे रोग हर लो, मैंने ठीक कर दो, ठीक कर दो। आकाश, उठिए भाई साहब, अब आप ठीक हो चुके हैं भाई साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? ना काशी का असर हमारे भाई साहब पर क्यों नहीं, क्यों नहीं हुआ? सब ठीक हो जाए, धीरज रखो और ईश्वर में विश्वास रखो। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। अरे त्रिवेणी, आप आइए। त्रिवेणी, इतने वर्षों बाद अनायास कैसे आना हुआ?
बदकिस्मती चारों तरफ से हम पर हमला कर रही है, इसलिए हमें आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए। आपके ग्रहों की दशा बहुत खराब है। आपके भाग्य में एक ही पुत्र का सुख लिखा है। नहीं नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। वो दोनों हमारी दो आंखें हैं गुरुदेव। हम किसी को भी नहीं खो सकते, किसी को भी नहीं। कोई कोई उपाय तो होगा गुरुदेव, कुछ दान पुण्य, कोई पूजा पाठ, बताइए गुरुदेव। देवी उपाय तो सिर्फ एक ही है जो पहले था। क्या गुरुदेव? 16 सोमवार का व्रत जो आप पहले नहीं कर पाई थी, क्या आप कर पाएंगी? भोलेनाथ को खुश करने के लिए हम हर हाल में ये 16 सोमवार का व्रत करेंगे गुरुदेव, हम जरूर करेंगे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव। धोखा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा, वो भी गणेश के साथ। तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? दफा यहां से जाओ। इतना बड़ा विश्वासघात, इतना बड़ा विश्वासघात। तुम्हारी दशा देखकर लग रहा है कि तुम्हें सच्चाई का पता चल गया है कनिष्क। तांत्रिक, हमारे एक पखों पर हंस रहे आयो नहीं। हम तो तुम्हें यह समझाने आए हैं कि आज भुजंग ने तुमसे ताम्रपत्र की पूजा करने का हाथ छीन लिया है, कल त्रिनान लोक में रहने का हक छीन लिया, तो फिर क्या करोगे? खांदे, 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 खांदे। मरना चाहता है क्या? हमें मारते ने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी कनिष, और वैसे भी समय बहुत कम है तुम्हारे पास। इसे हमारी हत्या में नष्ट करने के बजाय सोचो, सोचो, जरा सोचो के समय का उपयोग कैसे किया जाए। जय महाकाल। थैंक्स अमृता। थैंक्स किस लिए? हमें सपोर्ट किया तुमने, इसलिए हमारा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा था। बार बार पिताजी का चेहरा वो हमारी आंखों के सामने आ रहा था।
अर्जुन उठिए ना, अर्जुन, अर्जुन, खून, अर्जुन, अर्जुन उठिए, अर्जुन, कोई है, प्लीज हमारी कोई मदद कीजिए, हमें यहाँ से बाहर निकालिए, अर्जुन उठिए, अर्जुन, कोई है, प्लीज मदद कीजिए, शक्तियों का इस्तेमाल करो अमृता। कैसे? हमारी शक्तियां तो कम हो गई है, हम क्या करें? दो प्राण शक्ति लेने के बाद तुम्हारी शक्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं, उनका इस्तेमाल करो अमृता। इस बार 16 सोमवार का व्रत हम आपके आशीर्वाद से शुरू करेंगे भोलेनाथ। अर्जुन, अर्जुन बेटा, क्या हुआ बेटा? ये आपको अमृता, ये सब क्या है? दादी साहब, हम बिल्कुल ठीक है, बस हमारा पैर फिसल गया था। बेटा, थोड़ा सावधान रह कीजिए, आजकल हमारे परिवार का समय कुछ ठीक नहीं है। डैड की तबीयत कैसी है? कैसी होगी, अभी थोड़ी देर पहले सोए। हम डैड से मिल लेते। अर्जुन, आराम करने दीजिए, आप कल सुबह मिल लीजिए। हाँ बेटा, ठीक है। गुड नाइट दादी साहब। गुड नाइट, गुड नाइट। विष्णु को ठीक करने के लिए हमें मणि की सहायता लेनी होगी। नहीं चाहता, इस तरह एक बेजान लाश की तरह नहीं रह सकते हैं आप। आपको ठीक होना होगा, एक बार फिर से बोलना होगा, ताकि आप हमें मणि का पता बता सके। आज अमावस्या की रात है, हमें लगा था कि आप आज मणि फिर से निकालेंगे। नाग मणि सचमुच इनके पास नहीं है।
फिर किसके पास है नागमणि? दादी साहब,